हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज है 27 जून। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसे आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, किस भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहली बार AWNS एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं बंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हाल ही में बंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में पहली बार AWNS एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। BAIL बंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 4 दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर भी स्थापित किया है, जिसने रनवे विजिबिलिटी रेंज को मापने में मदद भी मिलेगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए बंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजोय मेहता, संजय कुमार, राजेश शुक्ला, संजय महाजन। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के तौर पे संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। इनसे पहले अजोय मेहता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव थे, जो उद्धव ठाकरे के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। सी ऑप्शन राजेश शुक्ला हाल ही में गुजरात के 5वें लोकायुक्त बने हैं और संजय महाजन करियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी संजय कुमार सही है। किस सांसद ने सबसे कम उम्र में संसद रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं चिराग पासवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राम मोहन नायडू और स्मृति ईरानी। श्री काकुलम TDP के सांसद के राम मोहन नायडू ने सबसे कम उम्र के सांसद के तौर पर संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इसमें ऑप्शन ए चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा के मध्य प्रदेश स्थित गुना संसदीय सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं, और आखिरी स्मृति ईरानी जो अमेठी से लोकसभा सांसद हैं, ये भारतीय सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो इसमें ऑप्शन सी राम मोहन नायडू सही है। अगला प्रश्न है, दवा कंपनी हैट्री को कौन सी दवा पेश करने की अनुमति मिली है? ऑप्शंस हैं रेमडेसिविर, कोरोनिल, फेबीफ्लू और रेक्टोल। हाल ही में दवा कंपनी हैट्री को रेमडेसिविर दवा पेश करने की अनुमति मिली है। ये एक वायरल रोधी दवा है, जिसे भारतीय औषधि महानियंत्रक की अनुमति मिली है। तो इसमें ऑप्शन ए रेमडेसिविर सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिता हरम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना और केरल। हाल ही में हरिता हरम के 6ठे फेज की शुरुआत हुई है। इसमें 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत तेलंगाना से हो रही है। तेलंगाना सरकार ने वन क्षेत्र को 33% तक बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब तक इस कार्यक्रम के तहत 182 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जो 230 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन सी तेलंगाना सही है। 6ठा प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग सूचकांक की टॉप 500 सूची में किस देश का सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर है? ऑप्शंस हैं USA, चाइना, इंडिया और जापान। जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड 70,980 गीगा ट्रावर्स्ड एजेस पर सेकेंड दर्ज की गई है, जो चाइना के सनवे टाइहुल लाइट के स्कोर 23,756 गीगा ट्रावर्स्ड एजेस पर सेकेंड से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन डी जापान सही है। 7वां प्रश्न है, किस राज्य का गांव चीन विवाद के कारण अपना नाम बदलना चाहता है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटका, सी केरला, डी सिक्किम। हाल ही में भारत के केरला राज्य का एक गांव चाइना मुक्कू जो अपना नाम बदलना चाहता है, ये नाम
इस गांव को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था? तो इसमें ऑप्शन सी केरला सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल हुआ कौन सा टॉर्पीडो है? ऑप्शंस हैं अर्जुन, मारिच, अरिहंत और वरुण। हाल ही में मारिच टॉर्पीडो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। ये एक विध्वंसकारी प्रणाली वाला टॉर्पीडो है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये हमलावर टॉर्पीडो का पता लगाने और उसे नष्ट करने में सक्षम है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी मारिच सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपनी नौसेना को एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा? ऑप्शंस हैं चाइना, USA, इंडिया, जापान। हाल ही में हुए भारत और चीन के विवाद के कारण USA अपनी नौसेना को एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी USA सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात। हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसमें ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश सही होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।